हेलो दोस्तों, बीसलपुर की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। बीसलपुर बांध से 62 दिन तक लगातार पानी निकालना पड़ा था। जी हां दोस्तों, ये खबर कब की है, अब सुने ध्यान से। जयपुर अजमेर सहित कई जिलों को बीसलपुर बांध के लबालब होने का इंतज़ार है, ताकि अगली गर्मी के दौरान लाखों लोगों को बांध से भरपूर पानी मिल सके, लेकिन अभी यह आस अधूरी है। दूसरे दौर की बरसात का इंतज़ार है कि उस दौरान बांध में भरपूर पानी की आवक हो सके। लेकिन आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, 2 साल पहले जब बांध पर चादर चली थी तो 62 दिन तक लगातार पानी निकालना पड़ा था बीसलपुर बांध से। यह पानी बांध के आगे के क्षेत्र में छोड़ा गया था। उस दौरान करीब 93,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकाला गया था, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 38.70 TMC ही है। इस मानसून अब तक मात्र 5 TMC पानी की आवक बांध में हुई है। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 146 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है इस साल, जो मार्च 2022 तक लाखों लोगों की प्यास बुझा सकता है। तो दोस्तों, इस साल बांध में मार्च 2022 तक पानी की प्यास बुझाने का पानी आ चुका है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, खोलने पड़े थे सभी 18 गेट। बीसलपुर बांध पर कुल 5 बार चादर चल चुकी है, लेकिन जब 5वीं बार चादर चली थी वो 2019 में चली थी, और पानी की आवक लगातार होने के कारण बांध के सभी 18 गेट खोलने पड़े थे। बांध से आगे करीब 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है, और बांध जब लबालब होता है तो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब बांध पर चादर चलने के कारण तेजी से पानी छोड़ गया और वो व्यर्थ ही बह गया। जल संसाधन विभाग की माने तो यह पहली बार था कि जब बीसलपुर बांध पर चादर चलने के दौरान करीब 62 दिन तक इतना पानी बाहर व्यर्थ निकालना पड़ा था। दोस्तों, यह 2019 की बात है। अब आपको ताज़ा हालात के अनुसार जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, बांध का जलस्तर है 310.82 RL इस समय। बीसलपुर बांध में मानसून के पहले दौर की बरसात का पानी आ चुका है। बांध का जलस्तर वर्तमान में 310.82 RL पहुंच गया है, जो मानसून से पहले 309.36 RL था। इस मानसून अब तक 146 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बड़ी बात तो ये है कि बांध के भराव क्षेत्र में बह रही त्रिवेणी नदी का जलस्तर 1.30 मीटर है, जो बांध में पानी की आवक का नाम मात्र है। 24 घंटे के भीतर मात्र 1 सेंटीमीटर पानी बांध में आ रहा है। उधर जल संसाधन विभाग की आस है कि अगस्त और सितंबर में मानसून की झमाझम बरसात के चलते बांध का जलस्तर फिर से बढ़ेगा और बांध लबालब होगा, ऐसा जल संसाधन विभाग आस लगाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, इस मानसून 1.46 मीटर पानी की आवक बांध में हुई है। बीसलपुर में पानी की आवक की बात करें तो इस मानसून 1.46 मीटर की पानी की आवक हो चुकी है। मानसून से पहले जलस्तर 309.36 RL था, जो अब 310.82 RL पहुंच गया है। पिछला मानसून बांध को लबालब नहीं कर सका था, लेकिन इस बार आस जग रही है कि बांध में अच्छा पानी आ सकता है। पिछले साल 1 सितंबर को बांध का जलस्तर 313.28 मीटर था, जिससे जयपुर, अजमेर और अन्य स्थानों को लगातार जलापूर्ति हो रही है। पिछले मानसून बांध में कुल 6 TMC पानी की आवक ही हो सकी थी, जबकि अब तक बारिश में 5 TMC पानी आ चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों, विभाग को है चादर चलने का इंतजार। बीसलपुर बांध पर अब तक 5 बार चादर चल चुकी है, और इस बार भी चादर चलने का इंतजार शुरू हो गया है। त्रिवेणी से पानी की आवक शुरू होने से चादर चलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि बांध का कुल जलस्तर 315.50 RL है। जल संसाधन विभाग की माने तो वर्ष 2004 में पहली बार बांध की चादर चली थी, उसके बाद वर्ष 2006, 2014, 2016 और 2019 में बांध की चादर चली थी। पिछली बार चादर चलने के दौरान जल संसाधन विभाग को बांध के सभी गेट खोलने पड़े थे, और करीब 20 दिन तक बांध से पानी गेटों के द्वारा निकालना पड़ा था। ये 2019 की बात है। तो दोस्तों, अब आप बीसलपुर के बांध की सारी जानकारी पा चुके होंगे।
किस समय उसमें कितना जल स्तर है, साथ उसकी कितनी भराव क्षमता है और कब कब वो बांध लबालब था। तो दोस्तों अभी अभी आपको कोई अन्य सवाल होता आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।